आज है बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा का जन्मदिन जिसे देखकर हर कोई कह उठता है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जी हाँ, 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत अमान ने अपनी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत बतौर जर्नलिस्ट की। खबरी कर अनीता शर्मा के साथ जीनत अमान ने यह सफर शुरू किया। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा 70s ब्यूटी जीनत अमान आज 65 वर्ष की हो गई। उन्होंने बॉलीवुड में लगभग 2 दशक तक एज अ ग्लैमरस के रूप में शासन किया। लॉस एंजलिस में पढ़ाई के बाद उन्होंने 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता था। भारतीय सिनेमा को मॉडर्न लुक देने में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने बॉलीवुड में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड से कुछ सुपरहिट फिल्म है आर डी वर्मन गीत दम मारो दम, जिसको लाखों दिलों ने पसंद किया। उनकी फिल्म करियर की शुरुआत 1971 में हुलचुल में एक छोटी सी भूमिका के साथ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, लवारिश, यादों की बारात, हीरा पन्ना और कई अन्य फिल्मों में अपना कमाल दिखाया। जीनत अमान का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता अमानुल्लाह खान एक स्क्रिप्ट राइटर थे, जिन्होंने पाकीजा और मुगले आजम जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट बनाई थी। जीनत की उम्र महज 13 साल होने पर ही उनके पिता की मौत हो गई थी। उनकी मां ने हेज नामक जर्मनी आदमी से दोबारा शादी की। जीनत और उनकी माँ ने जर्मनी की नागरिकता हासिल की। जीनत अस्थायी तौर पर वहां गई थी और जब वह 18 साल की हो गई तो उन्होंने भारत आना उचित समझा। 2008 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान की मान्यता के रूप में जी सिने पुरस्कारों से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। उन्हें IIFA पुरस्कार 2010 में भारतीय सिनेमा पुरस्कार में उत्कृष्ट योगदान भी मिला। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी मां को समर्पित किया। तो आइए आज हम जीनत अमान को तहे दिल से उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां देते हैं।